हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने ड्राई सेल और मर्करी सेल कंप्लीट किया था, जो किसके पार्ट थे? प्राइमरी सेल्स के, प्राइमरी सेल्स और बैटरीज के पार्ट था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्या होते हैं, स्टोरेज सेल्स होते हैं। हम इन पर होने वाली कैथोड रिएक्शन को या एनोड रिएक्शन को बार बार करवा सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बार बार हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, सेम डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकते हैं। यही हम यहाँ पर सीखेंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है लेड स्टोरेज सेल। इसी एग्जाम्पल का मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर किया है, यहीं से हम समझेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, जनरली ये जो लेड स्टोरेज सेल्स हैं ये यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार्स, ट्रक्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में होता है ये होता है कि ये दे वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी, गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। दे वर्क एज गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों के तरीके से वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? गैल्वेनिक सेल मतलब क्या होगा, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और फिर केमिकल एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा। तो हम ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कैथोड और एनोड रिएक्शन से। उससे पहले अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्ट की और बात कर लेते हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये बिग कंटेनर है जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सीरीज में हमने 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेल्स कनेक्ट किए हैं, जिनका पोटेंशियल वेरी कर सकता है फ्रॉम, ये 3 सेल्स भी हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 सेल्स जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और इनका जो वोल्टेज है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 6 to 12 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स हमने अटैच किए हैं सीरीज में। हमने यहाँ पर 12 लिए हैं, सॉरी 6 लिए हैं, तो मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बैटरी का 12 वोल्ट वोल्टेज हो सकता है। डन, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब इनमें जो 3 है, आप ध्यान से देखिए, ब्लैंक वाला 1, 2 एंड 3 दे आर मेड अप ऑफ पीवी प्लेट्स, दैट इज लेड प्लेट्स बने होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं लेड इलेक्ट्रोड्स हैं। सो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से, लेड इलेक्ट्रोड। एनोड नेगेटिव है, मतलब कौन सा सेल अभी है, किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, गैल्वेनिक सेल। क्लियर है ना ये चीजें? तो दूसरा ये वाला 1, 2 एंड 3 दीज 3 आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड आर कॉल्ड कैथोड इलेक्ट्रोड्स, और ये किससे बने हैं, लेड ऑक्साइड के बने हैं। सो ये लेड इलेक्ट्रोड्स एनोड पर कनेक्टेड है, लेड ऑक्साइड के किस पे कनेक्टेड है, कैथोड पे। हमको एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया। पॉइंट नंबर 3 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और क्या पता होना चाहिए, अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज द इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हमने स्पेसिफिक 38% मास बाय वॉल्यूम लेना होता है। ठीक है, 38% इसका जो डेंसिटी होती है, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम कि हमें H2SO4 की जो डेंसिटी लेनी होती है वो होती है 1.30 ग्राम मिली लीटर इनवर्स। इसे आप ऐसे यहां लिख देती हूँ, 1.30 ग्राम मिली लीटर इनवर्स। दिस इज द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द H2SO4। जब हमने रिएक्शन शुरू नहीं किए तब उसकी डेंसिटी यही होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, कितना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिया है, और डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पर हो गया, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। हमेशा क्या इम्पोर्टेंट होगा, रिएक्शंस, कैथोड रिएक्शंस इन द एनोड रिएक्शन, उस पर जम करते हैं। ठीक है, तो मैं इससे लिखती हूं एट एनोड। एनोड किससे बना है, पीबी से, तो पीबी सॉलिड। एनोड पर क्या होता है, फिर से लिखना जरूरी नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो पीवी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीवी 2+ आयन में कन्वर्ट होगा एक्वस फॉर्म में, और क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स और डायग्राम यहां से हटा रही हूं क्योंकि रिएक्शंस थोड़ी लेंदी है। ओके, सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे ही ध्यान से देखिएगा, जैसे ही पीबी मेटल पीबीएस पीबी टू प्लस में कन्वर्ट होता है, ये पीबी टू प्लस एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, H2SO4, जो किस पर ब्रेक हुआ होगा, H प्लस और SO4 टू माइनस में, आप यहाँ पे टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये पीबी टू प्लस क्या करेगा, SO4 टू माइनस से कंबाइन हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और क्या बनाएगा, PbSO4 सॉलिड। क्लियर है यहां तक? ये दोनों हमने अभी एनोड की लिखी, अब हम एनोड की नेट रिएक्शन लिख रहे हैं। मैं आपको ये डायरेक्टली भी बता सकती थी नेट रिएक्शन, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। फर्स्ट ये होगा, फिर पीबी टू प्लस इसे कंबाइन होगा। क्लियर है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में भी? हो रहा है, पीबी टू प्लस से पीबी टू प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीबीएस प्लस SO4 टू माइनस एक्वस गिव्स, इस साइड क्या बचा है, PbSO4 सॉलिड प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये नेट रिएक्शन हो गई एट एनोड, हम इसी को लेंगे नेट रिएक्शन एट एनोड। अभी जब हम कैथोड और एनोड की ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखेंगे तो ये वाले लेंगे ना, ये नहीं, ये दोनों में हमने आपको समझाया है कि किस तरीके से एनोड पर रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, ताकि आपको ये लिखने में हेल्प मिलेगी। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको हटा दीजिए। अब अपन पहले कैथोड के रिएक्शन ले आते हैं। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो क्या होगा, कैथोड किससे बना हुआ था, एनोड किससे बना था, लेड से बना हुआ था, और कैथोड बना हुआ था लेड ऑक्साइड से। तो PbO2 कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिए, पीबी आयन में क्या लेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स भी तो लेगा जो रिलीज हो रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, वो दो इलेक्ट्रॉन भी लेगा। अब यहां से देखिए कि पीबी तो हो गया, पीबी से पीबी टू प्लस में चला गया, दो इलेक्ट्रॉन की बात भी हो गई, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको भी तो हमें बैलेंस करना है। तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में SO4 तो यूज हो रहा है धीरे धीरे, पर ये भी तो बचा है ना, इलेक्ट्रोलाइट से जो हमें मिला है एच प्लस आयन, वो एच प्लस आयन SO2 से कंबाइन होकर वॉटर रिलीज करेंगे। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, मैं एक एच प्लस आयन लिख देती हूँ, एक एच है यहाँ पर, दो है, तो हमें तो लेकिन क्या चाहिए, हमें क्या बनाना है, ध्यान से देखिए, H2O बनाना है, पर ऑक्सीजन तो दो है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर मैं 4H प्लस आयन ले लूं, जिसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 2H2O बनेगा, जिसमें 4H प्लस आयन भी हो गए और दो ऑक्सीजन भी यूज हो गए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की बजाय हम कितने लेंगे, 4 हाइड्रोजन एच प्लस आयन, क्लियर है, इस तरीके से ये हो गई रिएक्शन। अभी क्या होगा, ये जो पीबी टू प्लस आयन है ये क्या करेंगे, पीबी टू प्लस एक्वस सोल्यूशन के आयन ये भी SO4 टू माइनस के साथ कंबाइन होंगे। ये रिएक्शन आपको इजी होगी याद करना, क्योंकि दोनों साइड हुई, एनोड में भी हुई है कैथोड में भी हुई, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पीबी SO4 सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने उसको हटा रखा है, सिर्फ कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन चल रही है क्योंकि दो स्टेप में हुई है। डन, अब सबसे पहले क्या देखना है, हमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, इसे आपको लिख देते हैं, ये पीबी से पीबी गया और कुछ नहीं, हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं, ध्यान से देखिए, PbO2 बचा है सॉलिड प्लस, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं SO4 टू माइनस, फिर क्या बचा है, दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं प्लस 4H प्लस आयन बचे हैं गिव्स, इस साइड क्या बचा है, PbSO4 सॉलिड और क्या बचा है, 2H2O लिक्विड, यही तो बचा है ना। तो क्लियर है, हमने ओवरऑल रिएक्शन और नेट रिएक्शन एट एनोड देख लिया, नेट एट कैथोड देख लिया, ये नेट रिएक्शन है एट कैथोड। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे जो हम जनरली अभी तक करते आए हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में, है ना, यही तो किया हमने। तो जो काम कर रही है मैं उसे रिमूव कर रही हूँ, यहां से हटा देती हूँ और इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, सेम मैं यहाँ ऊपर कॉपी कर रही हूँ, ये नेट एट कैथोड हो गया, तो ये नेट एट
कैथोड, सॉरी ऊपर वाला एनोड था ये, कैथोड हो गया। अब मैं सारी रिएक्शन लिख लेती हूँ। PbO2 हटा दीजिए इसे, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 टू माइनस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। क्लियर है? सेम कॉपी कर ली मैंने नेक्स्ट रिएक्शन एट कैथोड ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। आई थिंक बैलेंस करना आ गया है हमको। तो हम क्या लिख रहे हैं एक्चुअली, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन। ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन से जा ही रहे हैं, और कुछ है नहीं है क्योंकि सिमिलर साइड्स पे और साइन भी सेम है, इसके कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम ध्यान से लिखते शुरू करते हैं। सबसे पहले PbO2 है यहाँ पर सॉलिड में, प्लस Pb है दिस Pb लेड, उसके बाद 2SO4 माइनस है और 4H प्लस है। ध्यान से देखिए 4H प्लस को मैं 2H2 लिख सकती हूँ, और ये क्या हो गया SO4। एक्चुअली अगर आप H और SO4 को कनेक्ट करेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, लेकिन दो है हमारे पास, ये भी दो है ये भी दो है, तो H2H2SO4 हो जाएगा, तो प्लस 2H2SO4 एक्वस, क्योंकि ये सारे आयंस थे, आयंस के फॉर्म में थे ना ये सारे जो हमने अभी कंबाइन किए, तो एक्वस हो गया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई इस पर्टिकुलर सेल के लिए। ठीक है, सारी चीजें बेसिक थी, बस हमने इन्हें कंबाइन करके लिखा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे एनोड और कैथोड की रिएक्शन, बट वो कैसे आई वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन को याद करेंगे वो तो जरूरी है ही, बट आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन सही है जो आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, इसका एक तरीका है। ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या बोला कि लेड किससे बना, सॉरी एनोड किससे बना हुआ है, लेड से बना हुआ है। कैथोड किससे बना हुआ है, लेड ऑक्साइड से बना हुआ है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज दिस H2SO4। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, एनोड दिख रहा है, ये कैथोड दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है। ये कंबाइन होकर आपको इलेक्ट्रोड्स पे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में PbSO4। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप डायग्राम फिर से इमेजिन कर पा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, दो सारे इलेक्ट्रोड्स पे आपको सॉलिड फॉर्म में क्या मिलेगा, PbSO4 और वॉटर, ठीक है, सिक्रीट होगा लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये वो प्रोसेस है दोनों रिएक्शंस में हमने क्या लिखा है, यूजेबिलिटी। जब वो सेल कौन सा लेड स्टोरेज सेल यूज हो रहा है तब ये रिएक्शन हो रही है। यूज कब हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि लेड स्टोरेज सेल्स कहाँ यूज होते हैं, जब कार वर्किंग है, ट्रक्स वर्किंग है, तो जब कार चल रही है ना उस ड्यूरेशन में ये प्रोसेस हो रही होती है। और साथ में हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी भी तो रिलीज होती है, उसी एनर्जी को यूज करके तो हमारा इंजन वर्क करता है। तो तब ये कब चल रही होगी, एक्चुअली कार जब मूव कर रही है तब ये रिएक्शन हो, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हमारी फंक्शन करवाती है किसी भी ऑटोमोबाइल को वर्क करने के लिए या मूव करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब भी कार रन होती है तो उसके अल्टरनेटर्स में रिएक्शंस हो रही होती हैं, और वही रिएक्शन क्या करती है, इसके डिचार्जिंग की प्रोसेस भी शुरू कर देती है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जो जिसका कुछ पार्ट यहाँ से भी यूज होता है, ठीक है। सो हियर वी एंड विद द यूजेबल पार्ट, कि कब, जब ये यूज हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट था H2SO4 यूज होगा किसमें, कन्वर्ट हो गया पूरा PbSO4 में। अब ऐसी कंडीशन आएगी जब ये प्रोसेस चल रही है, सेल यूज हो रहा है, और हमने क्या बोला था, इनिशियली H2SO4 की जो डेंसिटी थी वो हमें कितनी लेनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1.30 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब जब सेल यूज होते गया और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई है अराउंड 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, एट दिस पॉइंट आपकी जो बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, आपको उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, वो फंक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि उसका जो कंसेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन है, वो पूरा नेग्लिजिबल हो चुका है। अब ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, अब वो बचा ही नहीं है, सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, PbSO4 सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, हमारे जो इलेक्ट्रोड है उस पर स्टिक हो गया। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इसका उल्टी रिएक्शन करवानी पड़ेगी।
ध्यान से देखिए, अभी हम जब रिचार्जिंग के रिएक्शंस लिखेंगे ना तो इसका यही फॉर्म मिलेगा, बस आपको एरो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये दोनों कंज्यूम होकर हमें फिर से PbO2 दैट इज एनोड देंगे, कैथोड देंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी देंगे। यही रिचार्जिंग की प्रोसेस, हमने क्या बोला था, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है रिएक्शन और उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है और ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो हमें कब रिचार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, व्हेन द डेंसिटी डिक्रीजेस टू 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, तो हम रिचार्जिंग की प्रोसेस देख लें। रिचार्जिंग में कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पॉइंट नंबर वन तो मैंने आपको भी बता दिया था, क्या जब H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, कहां तक, 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कैथोड होता है वो एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, वाइस वर्सा। कैथोड की रिएक्शन जो हम लिखते हैं वो हम एनोड पे लिखेंगे और एनोड की रिएक्शन कैथोड पे लिखेंगे, वो भी रिवर्स करके लिखेंगे। जो हमने रिएक्टेंट में लिखा है उनको प्रोडक्ट में लिखना है, प्रोडक्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट में लिखना है। सो पूरी प्रोसेस कैसी हो गई है, रिवर्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर जब हम यूजेबल देख रहे थे किस तरीके से यूज हो रही है इलेक्ट्रोलाइट्स, तब हमने क्या बोला था कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज सॉरी गैल्वेनिक सेल। अब जो यूज हो रहा है, जिस तरीके से यूज होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो दोनों तरीके से यूज होगा। मैंने कहा था ना कि जब रिचार्जिंग होगी तो हमारा सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और आयन्स डिसोसिएट होंगे और हमें इलेक्ट्रोलाइट फिर से मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है। साइन भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, अभी एनोड क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हमको याद रखना है व्हाइल रिचार्जिंग द बैटरी जब आप लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम कैथोड और एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, जो कैथोड की रिएक्शन है वो हमको एनोड पे लिखना है और जो एनोड की है वो कैथोड पे लिखना है, वो भी रिवर्स फॉर्म में। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा और रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सो लेट्स सी कैसे होगा, और फिर ओवरऑल रिएक्शन से हम एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि कैसे हमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट फिर से पूरा मिल गया। तो हम लिखते हैं आर्ट कैथोड। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो हमने एक्चुअल में एनोड पर लिखी थी, और वो भी कैसे, रिवर्स करके। प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट। कैथोड पर PbSO4 सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन लेकर PbS और SO4-2- एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया। रिवर्स लिखी थी हमने पहले, वो भी किस पे लिखी थी, एनोड पे लिखी थी, अब हमने कैथोड पर लिखी। एट एनोड क्या हो रहा है, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, पहले हमने स्टेप वाइज समझा था। इस पर क्या हो रहा है, PbSO4 यहाँ पर भी बना था, याद है एंड में वो भी उस साइड बना था, वॉटर मॉलिक्यूल बना था, H2O लिक्विड। आप रेफर कर सकते हैं हमने कैसे लिखी थी, ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ, PbO2 SO4-2- प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम लिख चुके हैं सेम। मैं बस बता दिया आपको कैसे लिखना है, एनोड कैथोड बनाए, कैथोड एनोड बना, वो भी कैसे, रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है, प्रोडक्ट बिकम्स रिएक्टेंट एंड द रिएक्टेंट बिकम्स प्रोडक्ट। आपको उस तरीके से आप लिख कर देखिए, रेफर करके जो हमने रिएक्शन लिखी थी सेम रिएक्शन मिलेंगे आपको। अब हम क्या लिखते हैं, नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, यस द इलेक्ट्रॉन्स, एनीथिंग एल्स, PbSO4 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, नथिंग एल्स, इसे ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स, क्या है ये, PbO2, तो PbO2 लिख देते हैं सॉलिड, प्लस PB अकेला है तो PB लिख देते हैं सॉलिड, प्लस ये क्या हो गया, दो SO4-2- आयन है और 4H+ आयन है, तो ये हो जाएगा 2H2SO4 एक्वस में है क्योंकि ये सारे आयन्स हैं, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई इन केस ऑफ रिचार्जिंग। अब ध्यान से देखिए, ये उल्टी है, अगर हमको क्या क्या लिखनी होगी, जब यूज हो रही है बैटरी तब की रिएक्शन लिखनी है, तो आप इस एरो के साइन को सर हटा देंगे और इस तरीके से कर देंगे, तो ये कंज्यूम होकर ये बनाता है इन केस ऑफ यूजेबिलिटी, जब यूज कर रहे हैं। और जब रिचार्जिंग लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो सॉलिड इलेक्ट्रोड्स पे क्या मिला है, लेड सल्फेट मिला है,
वो कंज्यूम होकर हमें वापस से क्या दे देता है, PbO2। PbO2 गया था कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड पे हमने लिया था, ये एनोड से बोल सकते हैं लेड था, और ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। फिर धीरे धीरे जब ये रिएक्शन होती रहती है तो क्या हो जाता है, इन सबका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो अब क्या होगी, हमारी बैटरी रिचार्ज होगी, इसका मतलब हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। हमारे घरों में जो बैटरीज होती है वो यही तो होती है, जब लाइट आती है तब क्या होती है, रिचार्ज होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसे, और जब लाइट चले जाती है तो क्या होती है, वो जो यूज इलेक्ट्रिसिटी वो हमें देती है और हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसे रिचार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लेड स्टोरेज सेल। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि इसका उल्टा करोगे, जैसे इसको यहाँ से उठा के इधर लिख दो, इसको इधर से उठा के इधर लिख दो, तो ये फर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाएगी जहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या हो गया है, वो फिर से क्रिएट हो गया, पहले यू कंज्यूम्ड वाला था, अब ये फिर से आ गया। ठीक है, तो हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, बाकी फिर से प्रोसेस सेल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस लेड स्टोरेज सेल। एक और टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल है, दैट इज द निकल कैडमियम सेल। इसमें जो रॉड होती है वो कैडमियम की बनी होती है, तो हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज निकल कैडमियम बैटरी। पहले एनोड और कैथोड देख लेते हैं किससे बना है, मैंने कहा था यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं वेरी इजीली, और सेल रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनोड किससे बना होता है, कैडमियम से। कैथोड बना होता है NiO2 निकल ऑक्साइड से, और इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है KOH। तीन पॉइंट है अभी अभी याद हो गए हमको, एनोड कैडमियम से, कैडमियम रॉड होती है एनोड में, कैथोड NiO2 और इलेक्ट्रोलाइट है KOH। क्लियर है, अब सेल रिएक्शन देखते हैं। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो उसकी लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज सेल से भी ज्यादा होती है, लाइफ इज मोर देन लेड स्टोरेज सेल। एंड ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, एंड एज अ रिजल्ट ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि कॉस्टली बहुत होता है। ठीक है, तो डे टू लाइफ में इतना ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि सच में ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, बट इसके अच्छे पॉइंट है, मतलब इसके पॉइंट बेटर है देन द लेड स्टोरेज सेल्स। इसकी लाइफ ज्यादा लॉन्ग होती है और स्मॉलर साइज होने की वजह से हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था लेड स्टोरेज सेल क्या था, काफी हेवी होता है वो, हमने घरों में बैटरी देखी है ना, वही तो एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं। इसका पोटेंशियल देख लेते हैं, वोल्टेज इट इज 1.4 वोल्ट समथिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। अब हम लिख सकते हैं रिएक्शंस एट एनोड। एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहां से देखिए इस तरीके से हमने रिएक्शन लिखी है, ब्रायर सेल्स में भी लिखी है और फिर मर्करी में भी लिखी है, तो वही तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो कैडमियम है, कैडमियम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के OH माइनस आयन से कंबाइन होता है और देता है CdO, दैट इज कैडमियम ऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज करेगा एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैडमियम क्या कर रहा है, यहां से जीरो से +2 ऑक्सीडेशन पे जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो गॉट ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे समझ लो या बोल दो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, तो हर तरीके से वो डेफिनेशन क्या हो रही है, यहाँ पर प्रूफ कर रही है। इस तरीके से आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या है NiO2, ये भी OH माइनस से किसके इलेक्ट्रोलाइट के OH माइनस पार्ट से कंबाइन होता है और एक कंपाउंड बनाता है NiOH होल थ्राइस सॉलिड, जो कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा एज ऑफ नाउ, फिर हम बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है NiOH होल ट्वाइस में। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन भी बचा है, तो ये OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अब हमको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, तो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया,
ठीक है, बाकी चीजें हमने करी है ऑलरेडी पहले भी, इसे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऑफ कोर्स, देन OH से OH कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर 2 OH है, यहाँ पर एक ही OH है। अच्छा, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो बैलेंस हो गया, H2 भी हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग ध्यान रखिएगा करिए। तो ये कट हो गए, अब तो कुछ कट नहीं हो रहा है, लिख देते हैं 2NiOH होल थ्राइस सॉलिड प्लस कैडमियम सॉलिड गिव्स कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस ये 2NiOH का होल ट्वाइस, दैट इज इट। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको, अगर मैं इसे हाफ हेडेड एरो में लिख दू ना इस तरीके से, तो ये हाफ रिएक्शन जो इधर जा रही है मैं उसको लिख सकती हूँ डिस्चार्ज, और अगर आप इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख देंगे तो ये रिचार्ज की रिएक्शन हो जाएगी। पर रिचार्ज में हमको कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड बनाना है, वो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो यहीं से हमारी ये दोनों रिएक्शंस कन्वर्ट हो रही है, डिस्चार्ज है एज इन डी से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और रिचार्ज के लिए आर लगाया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हैं डिस्चार्ज एंड रिचार्ज के लिए। तो ये डिस्चार्ज हो गया, तब ये रिएक्शन हो रही होगी, और रिचार्ज में ये वाली रिएक्शन, जिसमें आपको सिर्फ एरो हाफ एरो की वजह से हेल्प मिल जाएगी, आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी डिस्चार्ज और रिचार्ज के रिएक्शन। सो दिस वॉज निकल कैडमियम बैटरी, ये भी फिनिश होती है। रिचार्जिंग प्रोसेस ऑलरेडी हमको पता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए कि इट इज मोर गुड ऑप्शन देन लेड स्टोरेज सेल, बट इसका जो अमाउंट होता है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या रखना है, एनोड याद रखना है, कैथोड याद रखना है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट, बस ये याद रखिए। उसकी वजह से हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, कैथोड और एनोड रिएक्शन हम लिख सकते हैं, और यही तो हमें लिखना है। जनरली आपको इन सेल्स पर कैथोड एनोड रिएक्शन ही पूछी जाती है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। सो हियर वी एंड व्हाट सेकेंडरी सेल्स ऑल्सो, प्राइमरी भी कम्प्लीट हो गया 2, और सेकेंडरी भी दोनों कम्प्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल सेल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आप चीजें फॉलो कर रहे हैं एंड आपको चीजें पसंद आ रही है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।